did you check this article out? It is so cool. Did you just open my WhatsApp message? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपना फोन किसी को कुछ पढ़ने या देखने के लिए दिया हो और वो लोग आपके फोन में स्क्रॉल करने लग जाते हैं, यहाँ तक कि आपके WhatsApp messages को भी एक्सेस कर लेते हैं और आपको लगता है अरे अरे भाई कहाँ चले जा रहे हैं आप? Well, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आईफोन का एक ऐसा फीचर पता है जिसे यूज करने के बाद आप लोगों को ऐसा करने से रोक सकते हैं तो हाय गाइस, मैं हूँ अदिति और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एंड आई एम हियर विद अ फ्यू आईफोन ट्रिक्स जस्ट फॉर यू। तो अगर आप भी मेरी तरह उन लोगों में से हैं जिन्हें अपना फोन दूसरों को देने में थोड़ा सा डर लगता है तो ये फीचर आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि इस फीचर को आप अपने आईफोन में कैसे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप आईफोन यूजर हैं तो आपको ये फीचर अपने फोन में गाइडेड एक्सेस के नाम से मिलेगा। इसे यूज करने के लिए सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं। आप चाहें तो सर्च बार में गाइडेड एक्सेस टाइप कर सकते हैं, वरना सीधे नीचे स्क्रॉल करके एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर टैप कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप फिर से नीचे स्क्रॉल करेंगे और जहां गाइडेड एक्सेस का ऑप्शन दिखेगा उस पर टैप कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडेड एक्सेस के सामने एक टॉगल बटन है जिसे मैं ऑन कर दूंगी। ऐसा करने से आपको पासकोड सेटिंग्स दिखेंगी, जिस पर जाकर आप टैप करिए। टैप करने के बाद ये आपको ऑप्शन देगा सेट गाइडेड एक्सेस पासकोड डालने का। इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर कोई भी रैंडम डिजिट्स या फिर आप जो पासवर्ड सेट करना चाहते हैं जो सिर्फ आपको पता हो वो डाल दीजिए। अभी आपसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा, सेम पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। अब हमारा पासकोड सेट हो चुका है तो आप बैक जा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं और आपको वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी और आप उसे किसी और को दिखाना चाहते हैं, पर साथ ही आप नहीं चाहते कि वो आपके दूसरे ऐप्स में देखे या फिर आपके मैसेजेस को खोल पाए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपने यूट्यूब पर जाइए। गाइडेड एक्सेस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए तीन बार अपने लॉक बटन को प्रेस कीजिए। ऐसा करने पे आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें से पहला ऑप्शन है गाइडेड एक्सेस, उसको टैप कर दीजिए। जब आप इसे टैप करेंगे तो गाइडेड एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हैं ना तो नोटिफिकेशन पैनल नीचे आएगा और ना ही आप इस ऐप से बाहर जा पाएंगे। गाइडेड एक्सेस को बंद करने के लिए आपको फिर से तीन बार अपना लॉक बटन दबाना होगा। ऐसा करने से आपको फिर से ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन गाइडेड एक्सेस का है। आप देख सकते हैं इसके सामने एक टिक है, यानी ये अनेबल्ड है। इसको डिसेबल करने के लिए हम वापस इस पे टैप करेंगे। ऐसा करने से ये आपसे आपका पासकोड मांगेगा। ये सेम पासकोड है जो आपने सेटिंग इनेबल करते टाइम डाला था। जैसे ही आप पासकोड डालेंगे आपको एंड रिज्यूम का ऑप्शन आएगा जो आपके लेफ्ट टॉप में है। गाइडेड एक्सेस को डिसेबल करने के लिए आप एंड पर क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही गाइडेड एक्सेस एंड हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आप टैब्स के बीच में स्विच कर पाएंगे, साथ ही आपका नोटिफिकेशन पैनल भी ऑन रहेगा। अब अगर आप ये आईफोन की ट्रिक्स जान ही गए हैं
तो इस वीडियो को जल्दी से उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है इन फीचर्स को जानने की ज़रूरत है। और अगर आपके ऐसे कोई सवाल हैं या ऐसे कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। दिस इज मी अदिति साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।